Hello everyone and welcome. Let's continue from where we had left last time. We were on the chapter square and square roots, exercise 3A. The last question that we had solved was your question number 3. Okay, 3 ka first one humne kiya tha. Now moving on to the next one, 3 ka second one. If you read both the questions, you will understand both the questions are extremely similar. The only difference is in the value given to you. Yes, I will read out the third ka first sum once again, jo hum already kar chuke hain, but still I would want to read that first. The question is, find the smallest number by which 2592 be multiplied so that the product is a perfect square. That was the sum we had done. Aur ab second question kuch aisa hai. Find the smallest number by which 12748 be multiplied so that the product is a perfect square. Find the smallest number by which 12748 be multiplied so that the product is a perfect square. Alright everyone, the meaning of this is something like this. What smallest number should we multiply with 12748 jisse ke wo ek perfect square banega. The meaning of this is something like this. ये जो नंबर है 12748 उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ऑलराइट, एंड वी हैव टू फाइंड ये सबसे छोटा नंबर जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए. चलो देन लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर एवरीवन. सो वी नो द आंसर ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सो वी स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 12748. ओके, बिकॉज लास्ट में इवन नंबर है, आई डिवाइड बाई 2, 2 6 आर 12 हो गया, 12 गॉन. नेक्स्ट इज 7, 2 3 आर 6, 1 रिमाइंडर 1 एंड 4 इज 14, 2 7 आर 14, 14 इज ऑल्सो गॉन. तो यहां तक सब गायब हो चुका है. द लास्ट नंबर इज 8, 2 4 आर विल बी 8. Alright, once again, last में we have 4, which is an even number, so we divide by 2 again. 2 3s are 6, 2 1s are 2, 1 carried over, 17 हो गया ये, so 2 8s are 16, 1 carried over, and then we have 2 7s are 14. Okay, now, this number 3187, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दिस कि हमें 2 और 2 तो मिल गया है, एज वी सी दैट इज इन अ पेयर. नाउ दिस नंबर 3187, इफ यू ट्राई डिवाइडिंग इट बाय द प्राइम नंबर्स इन ऑर्डर, यानी 2 से आप डिवाइड करके देखो, 2 से तो क्या ही डिवाइड करोगे, लास्ट में 7 है, तो 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, फॉर विच हमारे पास ओरल टेस्ट है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स कैलकुलेट करना है. 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19. सो वी आर श्योर कि 3 से डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे, 5 से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5. नेक्स्ट इज 7, 7 के लिए देयर इज नो टेक्निक, यू हैव टू एक्चुअली डिवाइड एंड चेक, एंड इफ यू चेक यू फाइंड दैट इट इज नॉट डिविजिबल. ऑलराइट, सो गोइंग इन ऑर्डर लाइक दैट यू फाइंड दैट अ लॉट ऑफ प्राइम नंबर्स आर नॉट एबल टू डिवाइड द नंबर 3187. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली. याद रखना ये, इसीलिए मैंने डाले यहां पे चांद सितारे, कि आपका ये जो नंबर 3187 है वो खुद एक प्राइम नंबर है.
तो वो और किसी से डिवाइड हो नहीं सकता सिवाय के वन के. यस, अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इट इज. इसे याद रखने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. क्लियर? अगर तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा है कि अरे बाप रे अभी याद कैसे रखे, तो इसका सोल्यूशन है कि तुम रोज सुबह और शाम दो दो बादाम खाओ, तो याददाश्त बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उससे याद रह जाएगा. सो एवरीवन, वी राइट डाउन द फुल एंड फाइनल आंसर बाय राइटिंग, सिंस द फैक्टर 3187 does not occur in pair, okay, therefore the smallest number to be multiplied jisse hame ek perfect square mile, that is the number 3187 itself. बिकॉज तुम्हारे सामने है टू और टू का पेयर कंप्लीट है, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है वो ये है लावारिस कई का, है ना? तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 3187 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन द फाइनल आंसर इज 3187 ओनली. ऑलराइट एवरीवन, ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ. Based on a similar concept, we will proceed further now. The next sum we will do is question number 4. Question hai kuch is prakar. Similar question, but yes, there is a twist. We will see what is that. Fourth, find the smallest number by which one zero three six eight be divided so that the result is a perfect square. And also find the square root of the resulting number. So let's start. Achha, before we start the concept map, what is the question saying everyone? Find the smallest number by which this number should be divided so that the result that you get is a perfect square. ठीक है? तो इस first part का मतलब ये हुआ, जो number है आपका 10368, it should be divided by which smallest possible number, so that the result that you get is definitely a perfect square. Clear? So obviously it is similar to what we have done. Let's start. As you know, if you want to find this number, very similar to this sum, हमें करना होगा prime factorization. So we start everyone. शुरू करते हैं prime factorization of 10368. चलिए dividing by 2 because last में 8 है. So 2 5 is 10, 10 खत्म. Now we have 3, 2 1s are 2, remainder 1, 1 or 6 16, 2 8s are 16. यहाँ तक सब numbers हो चुके हैं, अब सिर्फ 8 बाकी है. So 2 4 are is 8. Now you can divide this by 2 again. 2 2s are 4, 1 is the remainder. 1 and 1 11, 2 5s are 10, 1 remainder.
2 9s will become 18 and 2 2s will become 4. Dividing 2 5 9 2 now by 2. So we have 2 1s are 2, 2 gone, 2 2s are 4, 1 remainder, 2 9s are 18, 1 remainder, and 2 6s are is 12 because 1 and 2 will become 12. Now divide by 2 again. So we have 2 6s are 12, 12 gone, ab 9 hai aapke paas, 2 4s are, 2 8s are 16 as well. Divide by 2, we have 3 24. Divide by 2, we have got 1 6 2. Dividing by 2, we have got this as 81. 81 as we know is divisible by 3, not by 2. 3 2s are 6, 2 carry forward, baju mein 1, 21, so 3 7s are, 3 9s are, 3 3s are, and we get 1. So the prime factorization of this number is complete. Now, ab dhyan se dekhna. Now I will start marking the pairs, 1, 2, 3, 4th pair. And the last one is also in pairs. ये दोनों two pair में, ये दोनों two pair में, ये दोनों two, three का pairs बन चुका है, three का pair बन चुका है. And is there a number जिसका pair नहीं बना? The answer is yes. ये two का pair नहीं बना. अब तुम्हें बोला था 103 6 8 को divide करना है, which means हमें इन सारे factors में से एक factor को हटा देना है. Understand the difference between the two sums. यहां multiply करना था का मतलब है कि हम इसका pair complete करवाएंगे. So 3187 को we multiply by 3187. In fact, not 3187, 127 48 पूरे number को भी multiply by 3187, जिससे इस 3187 का pair complete हो जाए. Two का तो complete हो ही गया था, इन दोनों का भी हो जाए. Correct? But here, if I want to make this number a perfect square, if I want to convert it into a perfect square, we have to divide something. And when we divide something, isme se factor gayab ho jayega. So which is the factor jo hume gayab karna hai, uda dena hai? The answer is 2. Clear everyone? So you can write this down here. Since the factor 2 does not occur in pair, therefore the smallest number to be divided is equal to 2. Okay, full stop tak solved kar chuke hum. This is your final answer, everyone. Now, they had actually also asked you one more part. Ye bahut interesting hai. Also, find the square root of the resulting number. Okay? Meaning, 103 6 8 ko kisse divide karna chahiye, wo to malum pad gaya. Yahan par kisse multiply karna chahiye, wo to malum pad gaya. Par hum multiply karke dikhate hai kya? Nahin. यहां पर इन्हें चाहिए कि भैया तुम हमको डिवाइड करके बताओ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिला और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकाल के बताओ. सो दिस इज द टास्क दे हैव अलॉटेड टू यू. ऑलराइट एवरीवन, सो यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टिंग नंबर फर्स्ट. दिस इज द इजी टास्क. ओके, रिजल्टिंग नंबर कैसे मिलेगा? 103 6 8 को डिवाइड बाय जो आंसर आया उससे. सो 103 6 8 divided by the answer that we have got, and the answer is smallest number to be divided should be 2, so we divide this by 2. So the resulting number, and now you don't even have to divide because 103 6 8 ko 2 se divide karke idhar hi answer likha hai, 5184. The answer of the number, resulting number that you have got after dividing is 5184. Let me tell you, this is still not your final answer. इनको चाहिए था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस रिजल्टिंग नंबर. इस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालिए. नो प्रॉब्लम, वो भी हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है बिकॉज
बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द फैक्टराइजेशन ऑफ 5184. यस, आप सोचेंगे कि सर 5184 का फैक्टराइजेशन हमने कब किया? किया ना, भले ही हमने जानकर नहीं किया, पर ध्यान से देखो 5184 का फैक्टराइजेशन आपके सामने है. क्लियर एवरीवन? सो 5184 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका फैक्टराइजेशन भी यहां से स्टार्ट होगा. मीनिंग दिस टू इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5184. फैक्टर्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एवरीवन. अब देखते हैं क्या हमारे पास सारे नंबर्स पेयर्स में है क्या. 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2, 3 and 3, 3 and 3 are in pairs. So we have all the numbers perfectly in pairs. And that is why it becomes a perfect square. वही तो हमने किया ना, we have obtained a perfect square by dividing. ठीक है? Now, I will put all these numbers छपरे के नीचे. So, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, right? And now everyone use the basic rule of your square roots. अपना सड़क छाप रूल क्या करता है? Square root 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1. So जब उन्हें final answer चाहिए था, the square root of the resulting number, that can be simply obtained by multiplying all these numbers. And it is easy to multiply them. देखो, 2 2's are 4, 4 2's are 8. संभाल के रखो, mind में. 3 3's are 9. संभाल के रखो. पहले answer आया था, इनका multiply करके answer 8 आया, इसका 9 आया. So 8 into 9 is a very easy answer for us, 72. So this is everyone the solution for question number 4. Okay, hope that this is very very clear to you all. Moving on to the next question, question number 5, and the question is as follows. Find the square root of, इसमें first part में है, find the square root of 0.1764. So that is the solution, starting with the solution. Now square root निकालने को बोला गया of 0.1764. okay, not a problem, हमारे लिए जरा भी problem नहीं है. I will give you a brilliant technique by which decimal numbers का square root बहुत ही आसानी से निकलेगा. Now, this is the first time we are finding out square root of a decimal number. अब तक हमने जो solve किया, उसमें हम square root ढूंढते थे of a regular number जिसमें decimal नहीं होता था. Not a problem. Let's have a look at this. Okay. The first thing, सबसे पहले जो हम करेंगे, start जैसे हम करेंगे, that is के when you begin the finding of the square root of a decimal number, तो सबसे पहले decimal को भाव मत दो. ठीक है, डेसिमल को भाव देना ही नहीं है, चल निकल जैसा. नाउ जस्ट कंसीडर व्हाट इज द नंबर विदाउट द डेसिमल. अगर ये डेसिमल नहीं हो तो नंबर इज 01764. क्या ये जीरो हम बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे. सो इट इज 1764. एंड नाउ यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 फर्स्ट. रिमेंबर दिस टेक्निक, दिस टेक्निक विल ऑलवेज वर्क. ठीक है, डू नॉट कंसीडर द डेसिमल एट फर्स्ट, सॉल्व इट रेगुलरली. तो अगर ये डेसिमल ना हो तो नंबर है 1764. स्टार्टिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8s are 16, 2 8s are 16 अगेन, 2 2s are 4, डिवाइडिंग बाय 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, करेक्ट. नाउ यू कैन नॉट डिवाइड बाय 2, यू नो दैट 4 + 4, 8 + 1, 9 हो रहा है. तो ये भी पता चल गया कि किससे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में जाना चाहिए ये, बराबर. 3 1s are 3, 1 remainder 14, 3 4s are 12, remainder है 2, 2 1 21, 3 7s are 21. Now we can divide this by 3 further. मैंने total करके देखा 12 आया, जो 3 के double में जाता है. So 3 4s are 12, mind में रखो अभी 14 में से 12 निकल गया, 2 remainder है, 7 बाजू में, 27. So 3 9s are 27.
Now we divide by 7, we divide by 7, the answer is 1. Clear everyone? Very easy to understand. Okay, so I can solve further here. So the square root of 1764 is equals to the square root of 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. Obviously very easy. Alright, now square root हमेशा क्या करता है, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1. So इससे हमें मिला square root of 1764 equals to 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. And now comes the twist. Ideally हमारा question तो ये था ही नहीं, हमने अचानक ही इसको अपना question बना दिया. हमारा question था 0.1764. But not a problem. This was very important for us to find. हमने 1764 का square root निकाला हुआ है, जिसका answer हमारे पास है. और अब हम निकालने जा रहे हैं 0.1764 का square root. Now what is the advantage? The advantage is that the digits are all the same. इसमें जो डिजिट्स है ना, एग्जैक्टली वही डिजिट्स इसमें भी है. तो ऑब्वियस है अगर इसका आंसर ये आने वाला है 42, तो इसके आंसर में भी डिजिट्स तो 42 ही आएंगे. सिंपल लॉजिक है. लेकिन किंतु परंतु बंधु, इसमें है डेसिमल, डेसिमल डिजिट्स है, तो आंसर में भी तो डेसिमल डिजिट्स आएंगे ही, ऑब्वियस है. एंड नाउ व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज वेरी सिंपल भैया. ये है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमेशा क्या करता है, दो का एक करता है. तो वही प्रिंसिपल यूज करेंगे. डेसिमल के बाद काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. 1, 2, 3, 4, चार डिजिट्स है. अगर स्क्वायर रूट करता है दो का एक, तो चार का दो कर देगा. मीनिंग तुम्हारे आंसर में देयर शुड बी टू डेसिमल डिजिट्स. द आंसर एज वी नो इज 42 विथ टू डेसिमल डिजिट्स. हेंस द फाइनल आंसर इज 0.4. This is a simple technique by which you can find out the square root of decimal numbers also. Clear everyone? Alright, so pause the video, copy down these important sums, and then we will move forward. Okay, pause the video and copy down. Alright then, continuing with the next sum everyone. Next sum would mean, इसी question का हमने first part कर लिया है. Okay, now we move on to the second and the third part. Alright, now moving on to the second and the third part. Lekin what I'll be doing is, second solve karne se pehle we will solve the third one. There is a good reason why we are doing this. Theek hai? Third mein pucha hai, find the square root of 0.0169. So this will be solved super quickly. Now, you very well know, मैंने आपको technique बता दिया है, how to find out square root of decimal numbers. Initially, ignore the decimal. Decimal को भाव ही मत दो. अगर ये decimal नहीं होता, तो ये number होता 00169. अब ये 00 का कोई value है? नहीं है. So the number is 169 only. And now you very well know 169 is किसका perfect square. So without wasting time, we will not keep on trying. We will directly write down. और यही advantage है of the task that I had given to you. Your task was to write down all the perfect squares for the numbers 1 to 30. So those who have done this, imandari se jisne bhi kiya hai, usko iska fayda milne wala hai. Because 169 is a familiar number.
169 हमें पता है कैन बी डिवाइडेड बाय 13 ओनली, दैट्स द ओनली प्राइम नंबर व्हिच इज गोइंग टू डिवाइड 13 को, फिर एक बार 13 से डिवाइड किया, द आंसर इज 1. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर एंड एविडेंट दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 13 इनटू 13. 169 का दो ही फैक्टर आया. एंड नाउ एज वी नो स्क्वायर रूट करता है 2 का 1. सो 13 इज द आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169. लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो कुछ अलग है, तो नो प्रॉब्लम, अब उस अलग नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं. द नंबर दैट यू हैव इज 0.0169. व्हाट इज द एडवांटेज? द एडवांटेज इज ऑल द डिजिट्स आर द सेम. ओके, ऑल द डिजिट्स आर द सेम. 169 169 डिजिट्स तो सब सेम ही है, लेकिन पॉइंट के बाद डेसिमल गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4. स्क्वायर रूट हमेशा करता है 2 का 1, तो 4 का हो जाएगा 2, मीनिंग योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम 1 3 बट विद 2 डेसिमल पॉइंट्स. सो द फाइनल आंसर इज 0.13, एग्जैक्टली सिमिलर टू द लास्ट सम. ओके एवरीवन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन नाउ. अब सेकंड करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 96 1/25. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू. क्लियर एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. 96 1/25 का स्क्वायर रूट पूछा है, सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इसे सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके हैं, देयर आर मल्टीपल वेज इन विच दिस सम कैन बी डन. ओके, सो वी सी द फर्स्ट वन. एज यू वेरी वेल नो, ये नंबर जो है ये खुद सॉल्वेबल फॉर्म में नहीं है. 96 1/25 इज इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, करेक्ट? सो वी हैव टू फर्स्ट गेट रिड ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन in some manner whatsoever. Okay everyone, so there are two ways to do this sum. One is ki hum is mixed fraction ko ek regular fraction mein convert kare, and then we obtain the roots of separately numerator and denominator. That is the first method. Second method is you can convert this into a decimal. Aur wo kaise? 96 ko to convert karne ki zarurat nahi hai, convert hoga sirf 1/25. What is the meaning of 1/25? The meaning is 1 is divided by 25. Yes or no? Right? So everyone, if you want to divide 1 by 25, 25 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 0 और बिंदु डालोगे. जब आप बिंदु डालोगे, आपको यहाँ शून्य फ्री मिलेगा. Now, 25 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो तुम यहाँ पे भी 100 डालोगे, 0 डालोगे. You get a 0 here. Now, 25 के टेबल में 100 आता है, so 25 4s is 100. So now you will consider this part as 0.04. So the entire number becomes 96.04. So either you can solve it like this, or फिर इसका solving होगा इस प्रकार से. Clear? So that is one method. The second method is what we are going to do, because ये method आगे दूसरे sums में भी काम लगने वाला है. So first of all solve the mixed fraction. Mixed fraction कैसे solve होता है everyone? You very well know. 25 into 96 करेंगे, जो भी answer आया plus 1 करेंगे, upon 25 तो रहेगा ही. अपॉन 25 तो डाल ही देते पहले से. ओके, नाउ वी विल कैरी आउट दिस मल्टीप्लीकेशन. 96 इनटू 25, 5 6 जा 13, 5 9 जा 45, प्लस 3 48, 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, प्लस 1 19. द आंसर इज 2400. दिस इनटू दिस इज 2400 प्लस 1 गिव्स यू 2401. दैट इज द आंसर दैट यू हैव एवरीवन. ओके, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर सेपरेटली एट द सेम टाइम. 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखाएंगे. ओके, सो वी डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 5. वी डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 1. ये इजी था तो पहले कर लिया. नाउ वी मूव ऑन टू 2401. ओके, एज वी नो पहले हम 3 से चेकिंग करेंगे, बिकॉज द लास्ट
नंबर इज नॉट एन इवन नंबर, तो टू से नहीं जाएगा. टू प्लस फोर इज सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन. ओ थ्री से तो नहीं जा रहा, फाइव से नहीं जा सकता. अगेन लास्ट में जीरो है, फाइव नहीं है, इसलिए द नेक्स्ट नंबर यू कैन ट्राई सेवन. ऑलराइट, सेवन से स्टार्ट करते हैं. 24 है तो 7 3 जा 21, कितना बाकी रहेगा इसमें से 3, 3 इज अ रिमाइंडर, 3 एंड 0 30, 7 4 जा 28, 2 इज अ रिमाइंडर 21, सो 7 3 जा इज 21. ओके, वी कैन डिवाइड दिस बाय 7 अगेन. 2 3 और 5 पहले ही आउट हो चुके हैं, 2 3 और 5 को हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट 7 हमको आया था, 7 से आंसर आया, सो अब 7 के पहले वाले नंबर से कभी आंसर नहीं आएगा. सो इट इज आइदर 7 और द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11. So, या तो हम 7 से करेंगे, अगर वो नहीं क्लिक हुआ तो 11 से करना है, वो रेडी रखना है. ओके, 7 5 जा 35 होता है, पर वो तो चलेगा नहीं. देयर वी हैव 34 ओनली, 7 4 जा 28, द रिमाइंडर मतलब 34 में से 28 माइनस कर दो, 29 30 31 32 33 34, सो 6 इज द रिमाइंडर. 6 इज द रिमाइंडर, नेक्स्ट डिजिट इज 3, बिकम 63, 7 9 जा 63. Now this is a very familiar number. 49 divided by 7 कर दिया, 7 divided by 7 कर दिया. So now everyone, we clearly have the prime factors ready for all the numbers. So the square root of 96 1 upon 25. Solve करते करते हम यहाँ तक पहुँचे थे. अब इस 2401 के बदले, I will write down the prime factors of 2401. That is 7 into 7 into 7 into 7 upon, we had 25, the factors are 5 into 5. And now use the concept of your square roots. Square roots karega 2 ka 1, 2 ka 1, 2 ka 1, 2 ka 1. So the answer is 7 7s are 49 upon 5, and that will help you to find out the full and final answer, everyone. 49 को डिवाइड बाय 5 करके देखते हैं, यहां पर 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4, बिंदु डालो शून्य मिलेगा, 5 8 40, एंड द आंसर इज 9.8. सो दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट. So you have seen how to find out the square roots of decimal numbers also and square roots of fractional numbers also, everyone. Okay, chalo, moving forward. So this brings us to the question number 6 now. The question number 6 is evaluate. Evaluate का मतलब होता है find the value of. इसमें आप देखोगे ना आपको ये word दिखेगा value. Somewhat that word is visible, value. So evaluate means find the value of. किसका value find करने को बोला गया है? Let's have a look. The first one is square root of 14.4 upon square root of 22.5. So this is what we have to find out, everyone. Okay, now there are some important concepts that you need to understand, because square root ke andar ek fraction hai. Fraction mein upar bhi decimal hai aur niche bhi decimal hai. So we need to understand the concepts of how to solve such sums. Okay, ab dekhiye decimals के केस में क्या करना चाहिए अगर फ्रैक्शन है तो. नाउ इन दिस केस हमें डेसिमल्स से छुटकारा पाना होगा, ठीक है. इन दोनों डेसिमल नंबर्स को मुक्ति दे देते हैं, डेसिमल्स को भगा देते हैं. कैसे करेंगे वो सीख लो. न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है. सो दोनों के पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एंड टू एलिमिनेट दैट सिंगल डिजिट ऑफ डेसिमल वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10. But whatever you do in the numerator, the same thing has to be done in the denominator, and therefore we multiply by 10. The general rule is, अगर numerator या denominator, मतलब दोनों में से जिसके पास decimals के ज़्यादा digits हो, उसे भाव देना है. हाँ, उसे भाव देना है.
और उसकी जरूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है नंबर, एंड वॉट एवर दैट नंबर इज द सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन द अदर नंबर. क्लियर एवरीवन? ऐसा एक सम हम और भी आगे करेंगे, द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू. राइट नाउ इट इज सिंपल बिकॉज दोनों में एक एक डेसिमल था. ओके, सो दोनों को जरूरत भी 10 का ही था, एग्जैक्टली 10 का जरूरत था. नाउ दिस डेसिमल, सिंगल डिजिट ऑफ डेसिमल इनटू 10 ऑटोमेटिकली बिकम्स 144, तो डेसिमल गायब हो गया. अपॉन वी हैव 225. क्लियर एवरीवन? नाउ यू वेरी वेल नो 144 और 225 का स्क्वायर रूट्स डायरेक्टली. यस, हमने वो टास्क अगर फॉलो किया है, बाय हार्ट किया है, तो वी शुड नो दैट आंसर्स डायरेक्टली. ओके, बट स्टिल गोइंग स्टेप बाय स्टेप, अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप आगे और सॉल्व करें, तो द प्रोसीजर सेज दैट 144 का प्राइम फैक्टर्स निकाला जाएगा एंड 225 का भी फैक्टर्स निकाला जाएगा. क्लियर एवरीवन? स्टार्टिंग विद 2, 27 जा 14, 4 बाकी, 22 जा 4, डिवाइडिंग बाय 2 अगेन, 23 जा 6, 1 रिमाइंडर, 12 है तो 26 जा 12, डिवाइडिंग बाय 2 अगेन, 21 जा एंड 28 जा, डिवाइडिंग बाय 2 अगेन, 29 जा 3, 3, 3 एंड 1, फाइनली वी गेट अ 1 ईयर. लास्ट में 5 है, सो 2 स्टैंड्स नो चांस, 2 से तो नहीं जाएगा बेटा ये, यू हैव टू ट्राई फॉर 3. 3 से अगर हम डिवाइड करें, ट्राई करें, तो पहले ओरली देखते थे, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 3 के टेबल का वैल्यू आया, तो ये 3 से जाने ही वाला है. 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 3 5 जा 15, वी डिवाइड बाय 3 अगेन, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 3 5 जा 15. नाउ डिवाइडिंग बाय 5, आंसर आया 5, 5 से डिवाइड करके आंसर आ गया 1. ओके, सो दीज आर योर आंसर्स एवरीवन. Solving this further, so the square root of 14.4 upon 22.5 is equals to, मामला कहाँ तक पहुँचा था? तो मामला यहाँ तक पहुँचा था. अब इनके दोनों के हमने अलग से prime factors निकाल के रखे हैं, so we will substitute them, बराबर ना? ये सारे prime factors को इसके अंदर ठूस देते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. तो 14.4 का आया है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 upon we have 3 into 3 into 5 into 5, 3 into 3 into 5 into 5. Yes. अब हमें बड़ी ही खुजली आ रही है, क्या करने के लिए? Yes. 3 3 free, obviously ये पहले ही कर देना चाहिए, right? Now बाकी बचा है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के अंदर वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर रूट. क्या करता है स्क्वायर रूट? 2 का 1 2 का 1, यहां पर भी 2 का 1. सो द आंसर इज 2 2 4 अपॉन 5, बट एज यू कैन ऑल सी द क्वेश्चन हैड अ डेसिमल, सो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट अंटिल एंड अनलेस पॉसिबल द आंसर ऑल्सो शुड हैव अ डेसिमल. 4 upon 5 को हम decimal format में convert कर सकते हैं. 4 upon 5 actually means 4 divided by 5. 5 के table में 4 आने वाला है क्या? नहीं आने वाला obviously. So what you need to do is आप ऊपर शून्य और बिंदु डालोगे. बिंदु डालेंगे तो एक 0 free में मिलेगा. And now 5 8 is 40. Subtract किया, answer आ गया 0. And now the answer is 0.8. So this is how you find out square root of a fractions having both numerator and denominator in the decimal form. Clear? Let's have a look at the next question. Next question इतने में नहीं होगा. So at this point, pause the video and copy down the solution for all these questions. Okay? Pause the video, everyone. चलो मूविंग फॉरवर्ड, वी आर स्टिल ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. एवरीवन इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक सवाल कर चुके हैं फर्स्ट वन. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ.
And the question is 6 ka third one. The question is, everyone, square root of 25 upon 32 into 213 upon 18 into 0.25. So we have to solve this. Okay? So let's start. Let's solve this step by step. Okay, everyone. पहले तो first things first, ये बड़ा ही depressing number है, एकदम फालतू complicated number है ना. चलो पहले इसको एकदम सीधा सीधा भोला भाला सा बना देते इसको. So how do you do this? Mixed fraction है 18 2 जा 36, 36 plus 13, that's 49, 49 upon 18. Similarly, यहां पर भी ये नंबर देख के जरा भी मजा नहीं आ रहा है. सो एज यू नो वी विल एलिमिनेट द डेसिमल्स. टू एलिमिनेट द डेसिमल्स, इफ यू वांट टू राइट एनी नंबर विदाउट डेसिमल, 0.25 है क्योंकि इसके पास डेसिमल के पास दो डिजिट्स है, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है. सो वी राइट इट एज 25 विदाउट द डेसिमल बिकॉज ऑफ द टू डिजिट्स वी हैव अपॉन 100. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट रिड ऑफ ऑल द डेसिमल्स एंड मिक्स फ्रैक्शंस एंड ऑल दैट. नाउ नाउ वी कम टू द वेरी सिंपल प्रोसीजर एंड दैट इज Yes, अब देखिए. Now here is a very important thing that you need to understand. What is that? अब तक हम square roots निकाल रहे थे एक concept use करके और वो था prime factorization. हम prime factors ढूंढते थे, square roots के अंदर उसे लिखते थे और दो का एक कर देते थे. Correct? लेकिन अब now what you have to train yourself to do is, it is not important to have prime factors all the time. जब बहुत बड़े-बड़े calculations आते हैं, बड़े-बड़े numbers आते हैं, तो वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन प्राइम फैक्टर्स. वी जस्ट हैव टू गेट पेयर्स ऑफ एनी टू नंबर्स दैट यू कैन गेट. यस, वही करना है हमें. हमें तो अल्टीमेटली जोड़ियां बनानी है. तो वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर्स समथिंग लाइक दिस. इस सम में 25 एंड 25 आर ऑलरेडी अ पेयर. बाकी कौन है? 49. और 49 को हम लिखेंगे 7 into 7. As simple as that. Okay, everyone, 32, I'll show you how you can obtain the pair for 32. क्या कर सकते हो 32 का, होगा बताता हूं. You divide it by 2 first. You will get 2 ones are 2, 3 में से 2 चला गया, 1 remainder 12, 2 6 are 12. Now you have 16, which is a very special number as we all know. तो अब हम 16 को 2 से नहीं divide करेंगे, वो prime factorization हो गया. Rather than that, we divide it by 4, to get 4 again and we divide by 4 to get 1. Simple, because 16 है 4 का square, we know that. तो अब 32 को पूरे prime factors लिखने के बदले the convenient method is 4 into 4 into 2. Write 32 as 4 into 4 into 2. अगली बारी किसकी है? 18 की बारी है. 18 के साथ भी कुछ वैसा ही हादसा होने वाला है. 18 will be divided by 2, we get 9. 9 will be divided by 3, 3, 3 and 1. So 18 should be written as 2 into 3 into 3. 18 will be written as 2 into 3 into 3. Now comes handsome 100. अब ये handsome 100 के साथ हम क्या करेंगे? We can directly make convenient pairs 10 into 10. Orally, हमें मालूम ही है, the pairs for 100, that is 10 into 10. So finally, your target has been achieved. And that is to convert all the numbers into pairs. बहुत simple काम किया है हमने. We have converted all the numbers into pairs. Clear? And now you can apply the rule of the square root. क्या करेगा square root? 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1. Similarly, 2 का 1, 2 का 1. Clear everyone? Let's see the final calculations. Yes, there are some cancellations that can be done. तो ये तो अभी हमें अवश्य करना ही पड़ेगा. जो है 5 5s are 25 and 5 2s are 10. Any more cancellations possible? The answer is no. So we write down the final answer. 5 7s are 35 in the numerator. 4 2s are 8. 8 3s are 24. 24 2s are 48. So this will be the final answer. The answer of this, the value of this is equals to 35 upon 48. Clear everyone?
चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सम्स जहां फ्रैक्शंस आती है, डेसिमल्स आते हैं. अब इन सब का स्क्वायर रूट्स निकालने को हमें आ गया है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7th. द क्वेश्चन नंबर 7th इज वंस अगेन द सेम, इवैल्यूएट एंड द फर्स्ट वन आउट ऑफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 square into 6 cube into 24. This is your first question. शुरू करते हैं. And now I have told you the secret of solving square roots. ठीक है? अब हमारे लिए compulsory नहीं है कि we stick to prime factors. Prime factors अगर एकदम easily available है, बहुत अच्छी बात है. Use करो. If prime factors are not available or it is not convenient, then you just make pairs of two two numbers and that's all. 3 square will be 3 into 3. 6 cube as you know is 6 into 6 into 6. अब आती है असली जगह जहां पे हमें दिमाग लगाना है. करेक्ट, 24. Now how do you write 24? Now think, 24 can be very clearly written as 6 fours are. Why have I chosen a 6? The reason is because प्रीवियस नंबर में 6 है हमारे पास. सो 24 शुड बी रिटन एज 6 इंटू 4 को भी आगे और स्प्लिट करके लिखा जाएगा 2 into 2. चेक, दिस इज 24. 6 क्यूब इज हियर, 3 का स्क्वायर इज हियर. तो ये करके एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट सम एज वेल, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव क्रिएटेड पेयर्स फॉर एवरी नंबर. ठीक है, चलो अब स्क्वायर रूट का रूल. स्क्वायर रूट करेगा 2 का 1 2 का 1 2 का 1. क्लियर एवरीवन? सो नाउ फाइनल आंसर, दिस इज 6 6 36, 2 3 6 ही होता है. सो 6 6 36 इंटू अगेन 6 विच इज अ स्पेशल नंबर 216 बिकॉज ये बन गया है 6 का क्यूब. जैसे हमने इस चैप्टर में स्क्वायर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, द नेक्स्ट चैप्टर हैज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. So we will remember these cubes as well. 2, 3 is 6. Ek bar aya 6. Into 6, 2 bar. And into 6, 3 bar. So 6 per multiplied 3 times gives you 216. That is called as the cube of 6. So this is the final answer. Moving on to the second part. The second part is also very very similar sum. Aayye dekhte hain. We have 0.5 the whole cube. Into 6. इंटू 3 raised to the power 5 और इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. ऑलराइट एवरीवन, चलो लेट्स प्रोसीड विद द सेम कॉन्सेप्ट. 0.5 द होल क्यूब का मतलब है 0.5 into 0.5 into 0.5. 6 विल बी स्प्लिट, इस 6 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे 2 into 3. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 इज हियर, इंटू 3 raised to the power 5 है तो 3 should be multiplied 5 times. Check. 3 is multiplied 5 times. Okay. Now comes a very important point. अब ध्यान से देखना. Square root का rule लगा रहा हूं. Square root करता है 2 का 1. Square root करेगा 2 का 1. 2 का 1 और 2 का 1. लेकिन what happens with these numbers then? इनका तो कोई pair नहीं बना. So, क्या करें इनका फिर? Do you think that they will remain unsolved? The answer is no. Because, check the answer of 0.5 into 2. That is a very special number. अगर point नहीं होता, तो 5 2 will become 10. But point के बाद एक digit है, तो answer में भी एक point आ जाएगा. So, answer is 1.0. Point को तुम क्या ही लिखेंगे? So, the answer is 1, my dear. And we very well know, 1 is a perfect square, जिसका square root direct लिख सकते हम. And that answer is also 1. So this is how you get the answer 1 here. And then continue. 2 ka 1. 2 ka 1. 2 ka 1. The final answer should be everyone. 3 3s are 9. 9 3s are 27. 27 1s are 27 again. 27 into 0.5. Now 27 5s are is what we calculate here. The answer is 175. But you know, yahan par point ke baad ek digit hai. So tumhare answer mein bhi ek digit aa jayega. The final answer is 17.5.
Here everyone, that is how you solve this question as well. Alright, pause the video and copy down these notes. So we have completed up till question number 7 ka second part. Okay, alright then, so this should be all for today's video. We will continue with the sums of exercise 3A in the next video. Obviously we will continue with the sums and then we will see what happens to exercise 3B. Alright, so until then I meet you next in the next video. Bye bye.